नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों आप देख रहे हैं डहलिया, ये पीछे मेरे काफ़ी सारे डहलिया खिल रहे हैं। यहाँ पर ये सीजन है डहलिया का खिलने का, और अभी ये सीजन शुरू हो गया है। जनवरी में एंड में तक पूरा डहलिया खिलेगा, और अब तो मार्च अप्रैल तक आपके बागान में ये डहलिया खिलते रहेंगे। तो बहुत लोग पूछते हैं कि डहलिया की कैसे केयरिंग करें, कैसे कटिंग लगाएं, तरह तरह के जो है डहलिया का मैं बता दूं, तीन तरह से आप प्रोपागेशन कर सकते हैं। आप सीड से उगा सकते हैं, बीज से उगा सकते हैं। डहलिया का पौधा बहुत अच्छा, मेरे नर्सरी के जो गार्डन है, मेरा कॉलेज का गार्डन, वहाँ पर मैंने बहुत सारे बीज से उगाए हैं। बहुत सारे बेनारी के अच्छी वैरायटी के बहुत फूल देते हैं, वो भी अच्छे हैं। और कुछ तो कटिंग से, ज़्यादातर लोग लगाते हैं कटिंग से। कटिंग का सीजन मैं बता दूं कि कटिंग आप लगाएंगे अगस्त महीने में या सितंबर महीने में, और वो कटिंग लगाने के बाद फूल आना शुरू होगा। नवंबर के एंड से दिसंबर से शुरू होगा फूल, और अप टू मार्च अप्रैल तक फूल खिलेगा। और कुछ लोग लगाते हैं बल्ब से, बल्ब भी आप प्रिजर्व कर रख सकते हैं, और वो बल्ब से आपको आसानी से आप लगा सकते हैं। बल्ब से कैसे आप लगाएंगे वो भी कभी वीडियो है मेरे पास चैनल में, वो भी आप देखिए कैसे बल्ब से कटिंग करके वो लगा रहे हैं। तो वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अगर नर्सरी से लाएंगे तो इस तरह के पौधे आपको मिलते हैं। और ये जो वैरायटी है, ये देखिए, ये केनियन वैरायटी है। और ये केनियन की वैरायटी में क्या होता है कि दो या तीन फूल लेते हैं, एक दो या तीन फूल लेते हैं, बहुत बड़ा साइज का फूल होता है। और कुछ आता है वाइट कलर का, ट्राई कलर का, मल्टी कलर का फूल आता है तरह तरह के। और इस तरह से जब आप नर्सरी से लाएंगे तो आप इस तरह से देखिए, ये पेपर में मोड़ के देते हैं, और इस तरह से गमले में आपको छोटे छोटे गमले में, एक से डेढ़ इंच के गमले में मिलते हैं। या फिर आपको कभी कभी ये बियर रूटेड भी मिलते हैं, इस तरह से भी पौधे आते हैं। ये देखिए इस तरह के बियर रूटेड होते हैं, ये भी केनिया वैरायटी है। और इस तरह के जो है आपके पौधे आप नर्सरी से लाए। और पहली बात ये है कि आप किस कैसे गमले में लगाए। पहले जब आप इस तरह के पौधे लाए तो आपको 3 इंच के गमले या 5 इंच के गमले के लिए सबसे अच्छा है। और इसके सॉइल मिक्स आपको बता दूं कि डहलिया में आपको सॉइल मिक्स 80% आपको गार्डन सॉइल लेना है, 20% कंपोस्ट लेना है, ये आपको लेके मिक्सर करना है, ताकि आपका जो सॉइल मिक्स है ये प्रॉपर रहे। और इसमें क्या है कि डहलिया के बारे में दो बात जरूरी है कि ये बहुत हेवी फीडर है और हेवी डिंकर है, यानी कि इसको खाना भी ज़्यादा चाहिए लेकिन पानी भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन एक बात है कि आप जब अगर रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा खाना देते रहेंगे तो इसका जो स्टेम है, ये स्टेम जो है ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। ये देखिए इधर का जो स्टेम है ये काफ़ी मोटा हो जाएगा, इधर ये काफ़ी मोटा हो जाएगा स्टेम। और ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, फूल आएंगे तो फूल छोटे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, खाना रेगुलर देना है, हर हफ्ते खाना देना है, हर दिन आपको पानी देना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देना है। और ये आपको जरूरी टिप्स है, ज़्यादा ये मोटा हो जाएगा, इसके जो स्टेम है इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जो स्टेम है ये अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो इसमें फूल नहीं आएंगे। ये देखिए छोटा सा गमला है, ये हमारे पास 3 से 5 इंच का गमला है। इसमें देखिए क्या शानदार इसमें कलियाँ आई है। और ये एक फूल लेना है तो आपको इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फूल लेना है वो भी मैं तरकीब बताता हूँ। पहले क्या करता हूँ, मैं आपको ट्रांसप्लांट का करने का तरीका बता देता हूँ। ये जो है सॉइल मिक्सर मैंने बनाया, और वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि पूरा तकनीक आपको जानना चाहिए कि डहलिया कैसे उगाते हैं, कैसे उगाया जाता है। डहलिया में दो तरह के होते हैं, या तो कुछ आप बहुत ज़्यादा फूल लेंगे, या फिर एक या दो या तीन फूल लेंगे। एक दो या तीन फूल लेंगे तो आप केनियन वैरायटी ले सकते हैं, और ये केनियन वैरायटी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है मिट्टी भर लीजिए पहले, इसका जो पूरा रूट बॉल है इस तरह से रूट बॉल का निकालिए। रूट बॉल निकालने के बाद ये इसको हम बिठाते हैं यहाँ पर। बिठाने के बाद बिठा लेते हैं, उसके बाद क्या है इसमें आपको हम पानी डाल देते हैं। इसको हम पानी डाल देते हैं। इस तरह से छोटे से गमले में आप 3 या 5 इंच के गमले में लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो बड़े गमले में उगा सकते हैं, लेकिन पहले क्या करें आप 5 इंच के गमले में ग्रो करके इस तरह का पौधा बना लीजिए। इस तरह का पौधा बनाने के बाद इसको आप अगर बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसकी रूट्स जो है, रूट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होगा, और जितनी रूट स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी उतना अच्छा ये पौधा खिलेगा और बड़ा होगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मैं दिखाता हूँ। और एक टिप्स मैं बताता हूँ, अगर आपको इससे पिंचिंग नहीं कर रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से सिंगल स्टेम निकलेगा, और यहाँ से एक बड्स आएंगी, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, एक बड्स आएगी और इस तरह से एक फूल खिलेगा। अगर आपको पिंचिंग करना है, ये देखिए मैं पिंचिंग के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पिंचिंग की गई है। यहाँ पर पिंचिंग करने से यहाँ से काफ़ी सारे ब्रांचेस आ गए हैं, इससे क्या होगा आपको बहुत सारे ब्रांचेस में बहुत बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। ये भी देखिए, ये जो गमला उगा है इसके भी देखिए यहाँ पर पिंचिंग की गई है, बीच में यहाँ पर पिंचिंग की गई है, ये पिंचिंग की जगह है, और इससे साइड से बहुत सारे ब्रांच आए हैं। ये भी देख रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ, ये भी गमला दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए कितने सारे ब्रांच, चारों ओर से नए नए ब्रांच आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, फूल छोटे आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ज़्यादा फूल आएंगे। अगर आपको चाहिए जी फूल, आपको बड़ा फूल चाहिए, आपको पिंचिंग मत करें, उल्टा आपको क्या करना है, इस तरह के जो साइड से ब्रांच आ रहे हैं, इस तरह से साइड से जो बड्स है, ये बड्स को आपको हटा देना है ताकि ये जो बीच वाला जो फूल है ये बड़ा हो सकता है। कैनियन वैरायटी में ऐसे जो फ्लावर शॉप में जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसके जो साइड्स के जो फूल है, इसके जो बड्स है, ये हम तोड़ देते हैं ताकि ये फूल जो है बड़ा हो सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि खाना क्या देना है। आपको खाना देना में सिर्फ जो है काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, एक एक बूटी हर हफ्ते आपको डालना है, और पानी आपको रेगुलर देना है, थोड़ा थोड़ा पानी हर दिन आपको देना है। और अगर आप चाहे तो सरसों की खली, बहुत आसानी से आप सरसों की खली आप भिगो के, चार दिन उसको भिगोने के बाद उसको आप लिक्विड करके बहुत ही पतला बना के इसको हर हफ्ते एक बार करके देंगे, इसका खाने का काम हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके डिजीजेस के बारे में। डिजीजेस ज़्यादा कुछ नहीं आती, लेकिन दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। इसके जो टहनी होती है इसमें काफ़ी सारे एफिड्स लग जाते हैं। एफिड्स लग जाने से क्या होता है, इसका जो रस है वो चूस लेते हैं, रस चूसने से क्या होता है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है और फूल नहीं खिलते हैं। तो उसके लिए आपको देना है क्या है, इसको आप कॉन्फिडर दे सकते हैं। ये कॉन्फिडर 1 ml पर लीटर के देंगे तो आपको पूरे जितने भी इंसेक्ट है सारे हट जाएंगे। या फिर आप हमला ये दे सकते हैं, हमला 50, ये भी 1 ml पर 1 ml देने से आपको, 1 ml पर लीटर देने से आपको सारे कीट जो है वो भाग जाएंगे। या फिर आपको बस ऑर्गेनिक में देना चाहते हैं तो डॉक्टर नीम प्लस है, नीम बेस्ड कोई भी इंसेक्टिसाइड 2 या 3 ml पर लीटर में डाल के आप इसका इंसेक्ट को भगा सकते हैं। ग्रोथ के लिए आपको सरसों की खली सबसे अच्छी है, इसके अलावा कुछ देना जरूरी नहीं है। चाहते हैं DAP या फिर NPK 10-26-26 8-10 दाने हर हफ्ते डाल के उसमें पानी दे सकते हैं। और या फिर चाहते हैं आप मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी आप दे सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर में लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको और कोई केयर नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें पत्ता मरोड़ की डिजीज आती है। पत्ता मरोड़ की डिजीज होने से आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आपको जब भी देखें इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, दो केमिकल में दिखाता हूँ, ये दोनों ही ऑर्गेनिक है। एक है ये है काका, ये 2 ml पर लीटर लेके आप स्प्रे कर सकते हैं हर हफ्ते। या फिर आप थीटा, ये 2 ml पर लीटर या 1 ml पर लीटर लेके आप स्प्रे कर देंगे हर हफ्ते, तो आपको जो पत्ता मरोड़ का जो डिजीज है ये नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि पत्ता मरोड़ का डिजीज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या है, आपको धूप लगना बहुत ज़रूरी है। इसको कम से कम दिन में 4 घंटे की धूप चाहिए। इस जगह पर आप लगाइए कि जहाँ पर ये 4 घंटे की धूप मिलती हो, तो आपको ये पौधा बहुत अच्छा रहेगा। और गमले में गए, बड़े गमले चाहिए, कम से कम 8 से 10 इंच के गमले में उगाएंगे तो ये जो डहलिया है ये बहुत अच्छा ग्रो होगा और ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो 4-5 टिप्स मैंने बताए ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। डहलिया उगाइए और बहुत शानदार फूल खिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए आए तो जरूर से सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।